मनीषा रानी कल रात स्पॉट हुई जब मनीषा ने 12 बजे के करीब अपनी पार्टी में एंट्री ली। जी हाँ, मनीषा यहाँ जब एंट्री ले रही थी तो उनकी मुलाकात कई फैंस के साथ हुई, कई मीडिया वालों के साथ भी हुई। मनीषा रानी ने उन लोगों के साथ केक नहीं काटा बल्कि उन्हें मिठाई खिलाई। जी हाँ, जिस तरह से मनीषा रानी ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। मनीषा अपने बर्थडे पर अपने दोस्तों के साथ इस पार्टी को, अपने बर्थडे को एंजॉय करती हुई नजर आई हैं। कल रात ही उन्होंने पार्टी रखी थी, लेकिन पार्टी की शुरुआत से पहले जिस तरह मनीषा इवेंट पर अपने एक्चुअली बर्थडे के मौके पर पहुंची, यहाँ पर मीडिया मौजूद थी, मीडिया वालों को उन्होंने मिठाई दी, कुछ को अपने हाथों से खिलाई और साथ ही साथ कुछ फैंस भी वहां पर थे मनीषा रानी से मिलने के लिए, जो आगे आए और मनीषा ने उन्हें भी मिठाइयाँ खिलाई। मीडिया कह भी रही थी, यानी कि रिपोर्टर्स कह भी रहे थे कि केक कहाँ है। मनीषा ने कहा, केक नहीं, हम मिठाई खिलाते हैं। जी हाँ, होता कुछ ऐसा ही है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो केक थोड़ी ना बांटा जाता है, उन्हें मिठाइयाँ दी जाती है, उनके पैदा होने की खुशी में दी जाती है। आज भी गाँव में कुछ ऐसा ही चलता है जहाँ केक नहीं, मिठाई के साथ बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। और मनीषा वही, जो उनके अंदर एक वो देसी पना है, वो शायद इसी तरह से उसको वो आगे लेकर आ रही हैं कि लोग उनके बारे में और अच्छे से जानें, उनके कल्चर के बारे में जानें, और जो पुराने रिवाज है कहीं ना कहीं उन्हें आज भी जो मनीषा ने अपनाया हुआ है उसे देखकर बेहद खूबसूरत लगता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप, कमेंट करके हमें जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाएं।